सेंट्रल पार्क जो अब न्यू थाने में भाड़ा नहीं आएगा इसमें है ना बेटा, दिख रहा नहीं है लगता है। इतनी बड़ी लाइन है ये देखिए कितनी बड़ी बिल्डिंग है, चांद कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बहुत गर्दी रश बहुत है, यहाँ पर आप देख सकते हैं रश देखिए कितनी है और कितनी बड़ी लंबी लाइन है अंदर एंट्री लेने की। हम अंदर आ गए, ऐसा परेशान हो गए कि इतनी गर्दी है इतनी ये है, लेकिन यहाँ का लुक बहुत अच्छा है, रात को बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपको अभी दिखाती हूँ कैसा लग रहा है। इधर आने का कैसा दिन सवेरे आने का, तो बराबर जोगेश पार्क से डबल है ये। मैं एक्चुअली फ़र्स्ट टाइम आई हूँ तो मुझे ज़्यादा अभी पता नहीं है, ये एक्चुअली ये नया नया खुला है, मालूम नहीं पड़ रहा है कि कहाँ से एंट्री है। मम्मी मम्मी अरे हाशिम हाशिम यहाँ से अभी एक मिनट में एक मिनट साइड आ रहा है। हाँ यहाँ पे एक छोटा मोटा सा तालाब जैसा बनाए हैं और झरना भी लगाए हैं, डेकोरेशन बहुत अच्छा है, बीच बीच में इतने अच्छे से डेकोरेशन किया हुआ है और आगे ब्रिज है जो पूरा लुक इतना खूबसूरत दिखता है, देख सकते हैं आप। अब यहाँ पे बच्चे कुछ बैठे हुए हैं झरने के पास, पानी के पास बैठे हुए खेलने के लिए, कोई सेल्फी निकाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हाशिम मुस्कान देख के इतना खुश हो गए। यहाँ देखिए पूरा झरना लुक देखिए कितना अच्छा कितना खूबसूरत है। पानी एक्चुअली था कि बनाया गया ये तो मुझे पक्का मालूम नहीं है, लेकिन सीन बहुत खूबसूरत है, पानी ज़्यादा डीप भी नहीं है। देखिए बच्चे लोग साइड में बैठ के पानी के साथ खेल रहे हैं और पानी का मज़ा भी ले रहे हैं, और मुस्कान देखिए पानी पैर में पानी डाल रहे हैं। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर सिक्योरिटी आ रहा है, आवाज़ देखिए सिक्योरिटी आया वहाँ से, उठ जा गई फिजा बस अपनी धुन में सेल्फी निकाल गई है। बच्चे बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमारे खेलने की जगह कहाँ है, जगह नहीं आगे आगे मत बढ़ो, खेलने की जगह नहीं मिल गई तो परेशान हो गए। और मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि खेलने की जगह किस साइड है, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम आई हूँ। यहाँ का लुक बहुत अच्छा है, आप देख चलो चलो झरना है सब कुछ है। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा झरना लगा हुआ है, यहाँ पे लाइटिंग भी लगी हुई है और पब्लिक यहाँ से सेल्फी ले रहे हैं, आप देख सकते हैं कितना अच्छा खूबसूरत व्यू है। यहाँ पे देखिए ये एक रोड आने एक ब्रिज आने की लगी हुई है, एक ब्रिज जाने की लगी हुई है और कितनी अच्छी लग रही है। अभी मैं जा रही हूँ वहीं पे, मैं भी फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, अब कैसा लुक दिखता है मैं भी अभी देखूँगी। और लेकिन दूर से तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। अरे यहाँ तो सीढ़ी है, यानी ये तो सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, अब मैं सीढ़ी तो चढ़ूँगी नहीं क्योंकि मेरे पैर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, तो फिर गार्डन इतना बड़ा है तो मैं वो कैसे घूमूँगी। इसलिए मैं आपको यहीं से दिखा दे रही हूँ कि यहीं से लिया, ये देखिए मैप है। हाँ एक्स ब्रिज कितना बड़ा मैप है ये। अभी हम लोग कहाँ जाना है, देख गेट नंबर 5 नहीं हम लोग फिर तो हम लोग को किधर जाना है अभी। हाँ ए प्ले जोन में ए गेट 1, यानी हम लोग उस साइड से जाते थे ना तो गार्डन आता था। ये फाउंटेन है, यहाँ पे बिल्डिंग है, यहाँ पे फिजा है। अच्छी बढ़िया एक मिनट मैडम
हम भी आज फर्स्ट टाइम आए हैं तो हम लोगों को मालूम कैसे पड़ेगा कि कौन सी जगह कहाँ पर है, लेकिन हम लोग ढूंढ रहे हैं कि प्ले जोन कहाँ है। अब बच्चे मेरे परेशान कर रहे हैं ये कैसे गार्डन लेके आ गए मम्मी, यहाँ पे कोई खेलने की जगह नहीं। मैं उन लोगों को बोल रही हूँ कि आगे चलेंगे तो आगे प्ले जोन तुम लोगों को मिलेगा, लेकिन इन लोग को सब्र ही नहीं हो रही है, ये लोग सिर्फ परेशान कर रहे हैं। गार्डन इतना बड़ा है, ये लोग चलते जा रहे हैं लेकिन इन लोगों को प्ले जोन ही नहीं मिल रहा है। मुस्कान तो परेशान कर रही है, मम्मी यहाँ पर तो खेलने की कोई चीज़ ही नहीं है, यहाँ पर ना झूला है ना कुछ है, एक ही जगह झूला मिला है, ये जो आगे आपको बस जो आपको दिख रहा है ना ये लाइटिंग वाला, यहाँ पर कुछ है। अभी मैं आपको आगे जाऊँगी तो बताऊँगी उधर। जैसे जैसे मैं नज़दीक जा रही हूँ तो मुझे कोई गाना गाते हुए सुनाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है वहाँ पे कोई अच्छा सा कोई गाना गा रहा है। और वहाँ पे बहुत रश भी है, लाइटिंग भी देखिए कितनी सारी लगी हुई है, और रात का यानी रात का वक्त है तो और भी उजाला दिखाई दे रहा है। अभी मैं देखूँगी अगर यहाँ पर कौन गाना गा रहा है, यहाँ पर कोई शख्स है जो गाना गा रहा है, यानी पब्लिक को इंटरटेन कर रहा है। आप देखिए यहाँ पे कितनी रश लगी हुई है और पब्लिक उनसे फरमाइश कर रही है कोई गाना, ये पब्लिक की एक एक फरमाइश में गाना गा रहे हैं। और ये कौन है मुझे भी नहीं पता, शायद इनको सिंगिंग का बहुत शौक़ है इसके लिए। देखिए यहाँ पे कितने लोग जमा हैं, यहाँ पे पूरा स्टेज एक बना हुआ है, वहाँ पे सामने कोई शख्स बैठ के गाना गा रहा है और बड़ी धुन में गाना गा रहा है, कितना अच्छा गाना गा रहा है। अभी मैं आपको बताऊंगी, ये बंदा पब्लिक को इंटरटेन कर रहा है, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये गाना गा रहे हैं। खड़े हैं, आप देख सकते हैं कितने सारे लोग खड़े हैं यहाँ पर, और सब यानी मज़े ले रहे हैं गाने आशिम। अब हम मुगलई गार्डन आए हैं क्योंकि यहाँ लाल किला के जैसा डेकोरेशन किया हुआ है तो इसको मुगलई गार्डन बोलेंगे। ये देखिए अभी मैं आपको बताती हूँ, जब आगे हम बढ़ेंगे तो मुगलई गार्डन दिखेंगे। और ये जो है ये सब झरना लगा हुआ है और ये रेड कलर का लाल किला जैसा बना हुआ है, इसको मुगलई गार्डन बोलते हैं। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, ये दिन में आएंगे तो और भी क्लियर दिखाई। हम आए हैं, ये जो पूरे झाड़ को क्रॉस करके बनाया गया उसको लाइट से डेकोरेशन किया गया है, सीन बहुत अच्छा है और रील भी यहाँ पे बहुत अच्छा बन सकता है। लेकिन आज संडे है और नया गार्डन खुला है तो पब्लिक की रश बहुत है, इसकी वजह से मुझे वीडियो भी लेने नहीं जम रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो मैं पूरा डिटेल में वीडियो लूँगी। और यहाँ देखिए ये चेस है खेलने वाला, जो बच्चे लोग चेस भी खेल सकते हैं। और फाइनली मेरे बच्चे जो जिसके लिए वेट कर रहे थे यानी गेम जोन, वो यहीं पर है। अभी मेरे बच्चे खुश हो जाएंगे गेम जोन देखकर, अभी थोड़ी देर में लोगों को दिखाई देने वाला है। फाइनली मेरे बच्चों को गेम जोन दिखाई दे दिया और गेम जोन जैसे ही दिखाई दिया दोनों बच्चे गायब हो गए मेरे पास से। अब मैं परेशान हो गई, उन लोग को ढूंढने लग गई कि मेरे दोनों बच्चे गए कहाँ। और मुस्कान तो इतनी छोटी सी है, कहाँ गायब हो जाती है पता ही नहीं चलता, उसको तो ढूंढ ढूंढ के परेशान हुई। ये उस गड्ढे के अंदर घुसी है, ये वाले गड्ढे में घुसी है, लेफ्ट वाले गड्ढे से निकलती है, और इतनी छोटी सी है कि फटक से गायब हो जाती है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं अभी मुस्कान मुस्कान करके आवाज़ दे रही हूँ। अब देखिए उस तरफ से वो वाले गड्ढे से निकलेगी, ये देखिए यहाँ से निकली है, ये देखिए इतनी छोटी सी है, कहाँ गायब हो जाती है पता ही नहीं चलता है। और इत्तेफाक से गार्डन में सबने रेड कलर का ही टी शर्ट पहने, एक रेड कलर टी शर्ट को ढूंढो तो कितने सारे दूसरे रेड कलर वाले दिख जाते हैं मुझे। अभी बच्चे मेरे दूसरी जगह जाने की बच्चों ने परेशान कर दी, बहुत सारे बच्चे तो बगैर कपड़े उतार के वो इसमें चले गए, लेकिन मेरी मुस्कान और हाशिम ने बाप रे बाप मेरे नाक में दम, मम्मी जाना है मम्मी जाना है मम्मी जाना है, मुझे भी भीगना है। और फाइनली मेरी मुस्कान और मेरे हाशिम ने मेरा हाथ छुड़ा के देखे भाग गए हैं। हाशिम तो हाथ छुड़ा के पहले भाग गया, पीछे से मुस्कान भी हाथ छुड़ा के भाग गई कि उसे भीगना है। ये देखिए ये देखिए देखिए कैसे भाग रहे, दोनों भाग रहे, देखिए देखिए आप किस तरीके से भाग रहे हैं। उन लोग को भीगने का शौक चढ़ा है, अगर वो भीग और फाइनली वो भीग के भी आ जाते हैं,
देखिए दोनों बच्चे मेरे हम लोग को जबरदस्ती खींच के उन लोगों को दूसरी जगह लेकर आई हूँ, लेकिन दोनों तो भीग चुके हैं। अब यहाँ जो गेम है यहाँ पे भी लोग भाग जाते हैं और मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि दोनों बच्चे फिर कहाँ चले गए। आवाज़ देते देते दोनों ही कहाँ भाग जा रहे हैं और देखिए अब दूसरी जगह लेकर। उधर 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 मुस्कान इडियट। एक उसको दे ना हाशिम, एक मुस्कान को दे। किसमें हॉर्न है देखना। दे दो आप दूसरे को दे दो। चलो मुस्कान मुस्कान ये तो गेम खत्म नहीं हो रहा है, लोग घुसे जा रहा। चल लास्ट है ये, लास्ट है। मैं सोच गया अब लास्ट। मुस्कान भाई को दे दे जरा सा, मुस्कान भाई को दे दे। बहुत लंबी लाइन है। मुस्कान हाशिम कैसा लगा तुम लोगों को? फीडबैक दो, फीडबैक फीडबैक दो अपना अपना। है तो हम लोग को बहुत मजा आया, ज्यादा मेरे को पानी वाले में और एक यहां ये वाली स्लाइड में हो गया। अबे ऊपर जिप लाइन बोलते। गार्डन अच्छा था और दादा मुझे जिप लाइन में मजा आई और वाटर में मजा आई। पूरी भीग चुकी हूँ ना, मेरी पैंट ले तो मेरी पैंट पूरी भीग गई। अब ये हम लोग ओला कार का वेट कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के, और हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। हम मेरे बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन बच्चे मेरे थक गए हैं, उनको भूख भी लगी है, तो हम लोग सोचे कि चलो अब घर जाते हैं। और लेकिन इन लोग ने अच्छा इंजॉय किया बच्चों ने। हम लोग इस बार आज के लिए इतना ही। हम लोग कहना अभी वाटर पार्क जाएंगे तो आप लोग को हम लोग बताएंगे, ब्लॉगिंग भी करेंगे, तो हम लोग दूसरे ब्लॉग में मिलेंगे। बाय बाय। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी दुआ में याद रखिए, मैं भी आपको अपनी दुआ में याद रखूँगी। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। अरे वाह।